यहाँ अपने इस खास कार्यक्रम में हम मध्य प्रदेश या देश की किसी बड़ी खबर को पत्रकारों की नजर से देखने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा विषय है भाजपा के लिए जरूरी या भाजपा की मजबूरी। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, उसके पहले देखिए हमारी एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को भाजपा के जिन 177 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई, वे भाजपा की मजबूती कम और मजबूरी ज्यादा जाहिर कर रही है। पिछले 6 महीने से भाजपा के नेता दावा कर रहे थे कि हारने वाले विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन सूची में ऐसे कई विधायक हैं जिनका अपने क्षेत्र में भारी विरोध है। ऐसा लगता है कि भाजपा चाहकर भी मंत्रियों और विधायक के टिकट नहीं काट पाई। ग्वालियर में माया सिंह का टिकट काटा गया, लेकिन रायसेन में गौरी शंकर शेजवार के स्थान पर उनके बेटे मुदित शेजवार को टिकट लेने में सफलता हासिल हुई। तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे मैदान में फिर से हैं। इनमें दीपक जोशी, ओम प्रकाश शकलेचा और सुरेंद्र पटवा शामिल हैं, जबकि इनमें से सुरेंद्र पटवा और दीपक जोशी का अपने अपने क्षेत्र में भारी विरोध किसी से छुपा नहीं है। भाजपा ने उन 3 निर्दलियों को भी उपकृत कर दिया है जो 5 साल से भाजपा की चौखट पर खड़े थे। इनमें सीहोर में सुदेश राय, सिवनी से दिनेश राय मुनमुन और थांदला से कलसिंह भंवर शामिल हैं। भाजपा की लिस्ट में चौंकाने वाला नाम कमल पटेल का भी है, जो अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। कमल पटेल एक हत्या के मामले में जेल में भी रहे और हरदा में उनकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं बताई जा रही। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो देखा आपने, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए पहली सूची में 177 नामों की घोषणा कर दी है। कहीं खुशी मनाई जा रही है तो कहीं फटाके फोड़े जा रहे हैं, तो कहीं रोष भी है, गुस्सा भी है। अभी खबर मिली है कि अशोक नगर में राव जी के परिवार में मीटिंग चल रही है कि विद्रोह किया जाए या नहीं किया जाए। इसी प्रकार से कई जगह से अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। अभी जो सूचना है कि 39 विधायकों के या तो टिकट काट दिए गए हैं, या उनके जगह पर उनके बच्चों को टिकट दिए गए हैं, या उनका स्थान बदल दिया गया है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं न्यूज वर्ल्ड और डिजियाना के समूह संपादक रिजवान अहमद सिद्दीकी जी, और हमारे साथ मौजूद है देश बंधु के राजनीतिक संपादक खिलावन चंद्राकर जी। सबसे पहले मैं रिजवान अहमद सिद्दीकी जी आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जो 177 लोगों को टिकट दिया गया है, उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है या मजबूरी है? देखिए रविंद्र भाई, सबसे पहले ये कि भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली है टिकट पहले डिक्लेयर करने का, इसलिए कांग्रेस जिस तरह का दावा करती रही है 6 महीने पहले टिकट कर देंगे, फिर जब समय कम होने लगा तो कहा गया सितंबर तक तो कर ही देंगे, लेकिन ये तो नवंबर है साहब, नवंबर में भी डिक्लेयर नहीं हो पाई। कल ये था कि पहले कांग्रेस की सूची आने वाली है, और मुझे लगता है अंतिम तौर पर, रणनीतिक तौर पर अंतिम समय में रोक दी। बीजेपी की सूची का इंतज़ार किया गया, बीजेपी भी शायद इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अंततः उसे प्रत्याशियों की घोषणा करनी पड़ी। हाँ, लंबे समय से ये प्रचार था, ऑफ द रिकॉर्ड ये नेता कहते भी रहे हैं, और कई बार तो सार्वजनिक मंच पर भी उन्होंने कहा कि जो जीतने वाला है उसी को टिकट दिया जाएगा। और रिपोर्टें जो पार्टी के अंदर खानों से और कई जगह से जो रिपोर्टें आनी थी, जो प्रशासकीय तौर पर भी उन्होंने सर्वे कराए, अमित शाह का अपना सर्वे था, शिवराज सिंह चौहान का अपना सर्वे था, पार्टी का सर्वे था, बहुत तरह का, कई स्तर पर सर्वे कराए गए, और तकरीबन ये कहा जा रहा था कि 80 टिकटें कटेंगी, लेकिन 172 टिकटों में 80 टिकटें तो नहीं कटीं, टिकटें बहुत कम कटीं उस अपेक्षाकृत जैसा दावा किया जा रहा था। और कुछ को तो उनके परिवार के लोगों को दे दिया गया, कुछ को शिफ्ट कर दिया गया, 2 मंत्रियों को, एक विधायक को, एक मंत्री को शिफ्ट कर दिया गया एक दूसरी जगह, एक दूसरे मंत्री को भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। गोपीलाल जाटव की बात करें, उन्हें मंत्री बना रही थी पार्टी, उन्हें भी शिफ्ट कर दिया गया। उसके अलावा ललिता यादव को भी शिफ्ट कर दिया गया। तो हाँ, माया सिंह एक बड़ा नाम है जिनकी टिकट काटी गई, ये चर्चा इस हो सकती है, लेकिन कहा यही जाता रहा है कि वो तो स्पष्ट रूप से पिछले बार भी चुनाव तकरीबन हार की कगार पर जाकर वो जीती थी। तो ज़रूरी और मजबूरी दोनों के बीच में ये, इसको हम कह सकते हैं कि ये सूची है, और इसका क्या असर होने वाला है, इसलिए कि इस बार जिस तरह से राजनीतिक पंडित जो मानते हैं कि चुनाव प्रत्याशी पर आधारित होगा, बहुत हद तक मैदान में ही चुनाव होने वाला है।
रविंद्र जी। रजमन भाई, पुनः आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा, उसके बाद मैं चंद्राकर जी के पास आऊंगा। 177 चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने सामने कर दिए हैं, आपको लगता है कि आधे से ज्यादा टिकट उनकी डिक्लेयर हो गई है? अब मात्र 53 सीटें और रह गई हैं जिन्हें उन्हें डिक्लेयर करना बाकी रह गया है। ऐसी स्थिति 43 सहित रह गई है या 53 रह गई है, कुल मिला के मैं ये जानना चाहता हूँ, 177 चेहरों से आपको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 200 पार का जो नारा है वो पूरा कर पाएगी? देखिए, वही बात, एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की सरकार है, जाहिर है, होती है, ग्राउंड पे कितनी है, हमारी मीडिया की सुर्खियों में कितनी है, ये अलहदा विषय है, लेकिन प्रत्याशी की भी एंटी इनकम्बेंसी, खासतौर से जो विधायक और मंत्री हैं उनकी भी एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा यही की जाती रही। रविंद्र जी, आपको अगर याद हो तो हम कल भी कहीं बैठे थे, वहाँ भी यही चर्चा थी कि जो मॉडल दिल्ली के नगर निगम चुनाव में अपनाया गया था वो सक्सेस मॉडल था और बहुत हद तक उस मॉडल को अपनाया जा सकता है जी। लेकिन वो मॉडल शायद नहीं अपनाने का साहस नहीं हुआ पार्टी में जी। और अंततः किसकी चली किसकी नहीं चली के बीच में सब कुछ घूम रहा है, लेकिन ये तो तय है कि कितने जीतने वाले हैं और कितने लोग पार्टी को मुसीबत में खड़ा करेंगे, ये सूची से स्पष्ट। चलिए, आपकी जो आपने कहा है कि बीजेपी साहस नहीं कर सकी, चंद्राकर जी का से यही सवाल करूंगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी जिसके बारे में कहा जाता है कि ये किसी से डरते नहीं हैं, अपने के सामने किसी को मजबूत भी नहीं समझते हैं, ये दोनों धुरंधर के सामने बीजेपी साहस नहीं कर पाई, जैसा रिजवान भाई कह रहे हैं, आप क्या सोचते हैं रिजवान चंद्राकर जी, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं कर पाई चेहरे बदलने के लिए? रिजवान जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लगातार जो भाजपा के द्वारा सर्वे करवाया गया, महिला जो सर्वे करवाया गया, उसके तहत लगातार बातें बाहर आ रही थी और लग रहा था कि आधे लगभग लगभग आधे विधायकों के जिसमें कुछ मंत्री भी शामिल है, मंत्रियों का तो दौर आने वाला है, 53 जो सीट है उसमें से जो बची हुई है उसमें कुछ मंत्री भी शामिल है जी। तो जो पहले से कहा जा रहा था, पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि लगभग 80 विधायकों के टिकट काटे जाएंगे और लगभग 6 या 6 मंत्रियों को प्राप्त किया जाएगा जी जी, और ऐसा नहीं कर पाई अभी तक की जो सूची है, जो 177 लोगों की 177 सीटों की, उसमें स्पष्ट है कि भाजपा ऐसा नहीं कर पाई है जी। उसका कारण मैं रविंद्र भाई दो महत्वपूर्ण कारण मैं बताना चाहूँगा आपको। एक तो मुझे लगता है भाजपा ने सर्वे रिपोर्ट पर जो है बहुत गंभीरता से ध्यान नहीं दिया या साहस नहीं जुटा पाई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर, जो बड़े 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 लोगों के टिकट कटने थे, जो राजनीतिक रूप से अपने क्षेत्रों में स्थापित है ऐसे लोगों के टिकट कटने थे, वो नहीं काट पाए। दूसरी बात जो है, एंटी इनकम्बेंसी का डर बहुत ज़्यादा समाया हुआ है भाजपा में, लेकिन उस डर को भी दरकिनार करने की कोशिश की गई है। मैं पिछले एक महीने से लगातार अलग अलग जिलों की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैदानों में जा रहा हूँ, एंटी इनकम्बेंसी का असर बिल्कुल आवश्यक रूप से मैंने देखा कि वास्तव में किसानों में देखो, युवाओं में देखो जो बेरोजगारी के कारण वो घूम रहे हैं, किसानों को देखो जिनकी जो योजनाएं लागू की है सरकार ने वो ठीक से मैदानी स्तर पर लागू नहीं हो पा रहा है, जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित जो हितग्राही हैं उनमें भी, जिन्हें अपने मकान भी बना लिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, लेकिन उनको किस तरह के पापड़ बेलने पड़े हैं इस कारण से। चलिए चलिए चंद्राकर जी, मैं आगे सवालों का ये सिलसिला बढ़ाऊँ, उसके पहले अपने दर्शकों को बता दूँ कि इस बार जो 177 नामों की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 सांसदों को मैदान में उतारा है। जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि जनता दल और भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे गजराज सिंह के छोटे बेटे को पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने मुरैना जिले की सुमावली सीट से चुनाव लड़ाया था, सत्यपाल सिंह सिकरवार को, जो 18,000 वोटों से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार सत्यपाल सिंह का टिकट काट के उनके बड़े भाई को ग्वालियर पूरब से, जो माया सिंह की सीट है, वहां से टिकट दिया गया है। एक और खनन के मामले में और तमाम आरोपों में घिरे हुए आरडी प्रजापति जो थांद्रा से विधायक थे उनका टिकट काट के उनके बेटे को टिकट दिया गया है।
हर्ष सिंह जो राज्य मंत्री रहे हैं उनका टिकट काटा गया है स्वास्थ्य कारणों से। उनका स्वास्थ्य पिछले दिनों से खराब था और मंत्री भी केवल नाम के ही थे। उनके बेटे बिक्रम को टिकट दिया गया है और जैसा कि मैंने बताया कि सेजवार के बेटे को टिकट मिला है। कुछ टिकट काटे गए हैं। एक बड़ा चौंकाने वाला नाम यह आया कि लक्ष्मीकांत शर्मा का टिकट काट कर उनके छोटे भाई को टिकट दिया गया है और उनके छोटे भाई लगातार सक्रिय रहे हैं पिछले 5 साल, क्योंकि लक्ष्मीकांत शर्मा व्यापम में फंसे रहे तो उनके छोटे भाई को टिकट दिया गया है। अब मैं रिजवान भाई आपसे कर रहा हूं कि हमने पिछले दिनों देखा कि अमित शाह जब भोपाल आए थे तो वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय गए थे और उसके बाद उन्होंने अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी को यह निर्देश दिया था कि संघ की लाइन पर चलना है, संघ का जो फीडबैक है उसको फॉलो करना है। ये जो 177 की सूची आई है, आपको लगता है कि संघ ने जो कहा है उसका कुछ प्रभाव इस सूची पर दिखाई दे रहा है क्या आपको? संघ का पूरा वीटो चला है ऐसा नहीं है, लेकिन प्रभाव तो होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव है। कई लोगों की जो टिकटें काटने का जो फैसला है वो भी संघ का ही एक फटकार है, लेकिन जैसा संघ का क्या मानना था कि तकरीबन 80 लोगों की टिकटें काटी जानी चाहिए, वो तो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, नहीं हुआ है। इसमें एक प्रेम नारायण ठाकुर को भी टिकट मिली है अमरवाड़ा से। जी जी, प्रेम नारायण ठाकुर कांग्रेस के दौर में मंत्री रहे हैं, फिर बीजेपी में शामिल हो गए, चुनाव भी जीते, लेकिन पिछले चुनाव में उनको ये कहा गया कि आप अपने बेटे को चुनाव लड़ाइए, उनके बेटे ने चुनाव लड़ा और वो हार भी गए। इस बार फिर पिता पर भरोसा किया है। कमलनाथ के विरोधी माने जाते हैं, खासतौर से दिग्विजय सिंह के समर्थक माने जाते थे कांग्रेस के अंदर, लेकिन अब उन्हें भी एक बार फिर उन पर भरोसा किया है। तो कुछ बाहर से आए हुए लोगों पर भी इस तरह से, कुछ बीएसपी से एक जो आए नेता को भी टिकट मिली है, सुमावाली से सतपाल सिंह का टिकट कट गया जब सिंह को मिला, तो इस तरह की भी चीज़ें हुई हैं। पार्टी ये जताने की कोशिश कर रही है कि उसने जीतने वालों को टिकट दिया, चाहे वो अपने हों या पराए हों, लेकिन वो ऐसे बहुत ढेर सारे लोगों की टिकटें काटने का साहस नहीं कर पाई। नागिन सिंह की बात करें, नागिन सिंह को पिछले बार टिकट नहीं दी थी पार्टी ने, उनकी टिकट काट दी थी। मंत्री थे मध्य प्रदेश सरकार में, गृह मंत्री थे, बड़े कद के नेता थे और राज परिवार से संबंधित हैं। अगर देश के ठाकुर लाबी की बात करें तो उससे भी बड़ा उनका संबंध रहा, लेकिन उनकी टिकट काट दी आखिरी समय पर। उनकी जगह गगनेन सिंह को टिकट दे दी और गगनेन सिंह भी एक ताकतवर प्रत्याशी थे, जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, लेकिन चुनाव हार गए। इस बार फिर उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। मोदी लहर में सभी चुनाव जीते थे, उनको उनके क्षेत्र से जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ से कहीं और चुनाव लड़ने का मौका मिला, कटनी खजुराहो लोकसभा सीट से, वहाँ से वो चुनाव जीत गए। लेकिन अब फिर उनकी जो पुत्रवधू हैं उन्होंने नगर पालिका के चुनाव में बगावत की और वो निर्दलीय चुनाव लड़ गई, वो हार भी गई। लेकिन इस बार फिर नागेंद्र सिंह पर विश्वास किया है, स्वच्छ छवि है, ईमानदार नेता है, उन पर विश्वास किया गया है। इसी तरह से जैसे मनोहर ऊंटवाल की बात कर रहे थे आप, सांसदों की बात है तो जैसे राव उदय प्रताप सिंह को लगता है कि वो अभी जो, लेकिन उनकी सीट होल्ड कर दी गई है, शायद वो तेंदुलकर से टिकट मांग रहे हैं। लगता यही है कि चूंकि संजय शर्मा ने जो पार्टी छोड़कर कांग्रेस, रिजवान भाई मैं आपको रोककर एक बात और पूछ रहा हूं कि संजय शर्मा का अचानक भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में वापस लौटना, इस सीट पर, इस पूरी सूची पर कहीं प्रभाव दिख रहा है क्या उसका, इस तरह के लोग और ना चले जाएं, कुछ डर लग रहा हो बीजेपी को? रविंद्र जी, हमने इसको पहले भी चर्चा की थी, इसके अलावा भी हमने ढेर सारे पत्रकारों ने आपस में बैठकर भी चर्चा की थी। संजोग से अभी 2-3 दिन पहले हमें इकट्ठे होने का मौका मिला था और संजय शर्मा इत्तेफाक से वहीं उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने का घोषणा की थी। तो संजय शर्मा का इफेक्ट अगर ईमानदारी से कहा जाए तो सूची पर दिखता है। कांग्रेस की सूची घोषित न होने का भी एक बड़ा कारण यही है कि आया राम गया राम पर कुछ काम कर लिया जाए। और बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक एक दबाव पड़ा और वो एंटी इनकम्बेंसी के डर के बावजूद, डर ना कहूँ तो एंटी इनकम्बेंसी की के एहसास के बावजूद, वो अपने बहुत ढेर सारे लोगों को घर नहीं बैठा सकी या उन्हें ये नहीं कह सकी कि 5 साल इंतजार करो, इसलिए इस सूची में वो इफेक्ट तो दिखा। चलिए चंद्राकर जी, ये जो सूची आपने 177 की देखी है, उनके चेहरे देखे हैं, उनके चेहरे पढ़े हैं आपने, काफ़ी लोगों को आप व्यक्तिगत तौर पर जानते भी होंगे, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने यह सूची बनाई है तो इसमें चली किसकी है,
आरएसएस की चली है, बीजेपी की चली है, या जो सर्वे आए हैं उसकी चली है, आखिर इसमें या शिवराज जी की चली है या कैलाश विजयवर्गीय की चली है, किसका प्रभाव ज्यादा लग रहा है सूची पे आपको? और खासतौर पर चुनाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे आरएसएस की ना चले, ये तो बैठ गए। अमित शाह भोपाल आए थे तो भी वो आरएसएस के कार्यालय में गए थे, और आरएसएस के मुख्य एक धड़ा जो है जो आजकल भाजपा के साथ है उसमें माखन सिंह जी हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि ऐसे लोगों से लगातार इनकी चर्चा होती रहती है जी। तो मुझे लगता है कि पूरा प्रभाव आरएसएस का है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें पूरी सूची को देखने से पता चलती है उसमें आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश में 3 निर्दलीय विधायक थे और उसमें से 2 सीधे भाजपा को सपोर्ट कर रहे थे और एक बार में अभी 6 महीने पहले भाजपा में कांग्रेस के समर्थन दिनेश राय मुनमुन जो सिवनी के विधायक हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, वहाँ बगावत का बहुत स्वर है भाजपा में। चलिए 3 निर्दलीय हैं, तीनों बीजेपी की ओर झुकाव रखे रहे 5 साल तक, लेकिन तमाम विरोध के बाद धांधरा से कल सिंह भंवर को, सिवनी से दिनेश मुनमुन को और सीहोर से सुदेश राय को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तीनों जगह बगावत की खबरें आ रही हैं। आपका क्या कहना है रिजवान भाई, क्या वाकई ये सीटें जीत पाएंगे? बिल्कुल नाखुशी है, इसलिए कि मुनमुन को अगर छोड़ दें तो बाकी लोगों का तो कहीं ना कहीं संबंध रहा है भारतीय जनता पार्टी से। तो अगर दिनेश राय मुनमुन की बात करें, दिनेश राय मुनमुन का संबंध ज़्यादातर कांग्रेस के प्रति झुकाव रहा है उनका, और वो उनकी मान लखनादौन से लंबे समय हरमन सिंह जी ने ही उनको खड़ा किया है शायद जी। तो चूँकि दिनेश राय मुनमुन ने अपना जहाँ लखनादौन के वो रहने वाले हैं वहाँ से छोड़कर वो सिवनी आए, निर्दलीय चुनाव लड़े, क्या भाजपा का क्या कांग्रेस, जो दोनों पार्टियों की अंदरूनी बगावत थी उसका उन्हें लाभ मिला। और मुनमुन का काम करने का भी तरीका है, वो पब्लिक से कनेक्ट करके करते हैं, उनका एक तरीका ये भी है कि वो अपने काम की हर साल परीक्षा देते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आप बताइए, एक बाकायदा एक बड़ा आयोजन करते हैं जब वो नगर पालिका के अध्यक्ष थे या उनकी माँ अध्यक्ष थी। लेकिन रिजवान भाई कहा यह जाता है कि इन 3 निर्दलियों में से 2 ऐसे हैं जो अपने बिजनेस के लिए राजनीति में हैं, चाहे मुनमुन हो या सुदेश राय हो, इनकी इनकी प्रतिबद्धता किसी के साथ नहीं, अपने भ्रष्टाचार के प्रति है। बिल्कुल, जैसे मुनमुन के बारे में भी ये था कि वो एक समूह है, कुछ लोग भाजपा में रहना चाहते हैं, कुछ लोग कांग्रेस में रहना चाहते हैं। अगर आपको याद हो जी, अभी पिछले 10-15 दिन से बहुत खबर थी, और ख़ासतौर से जिस दिन संजीव शर्मा बोहानी के बारे में, बोहानी बार बार मैं कहता हूँ इसलिए कि पहले रहने वाले बोहानी के तेंदुखेड़ा जी, वो पहले वो सेठ जो है वो बोहानी ही थी, बाद में पिछले बार परसीमन तेंदुखेड़ा हो गई, अब वो तेंदुखेड़ा उसका नाम हो गया है। तो संजय शर्मा जो हैं वो, उनके आने के बाद महाकौशल से 2 बड़े नेता और कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, उसमें मुनमुन के नाम की भी बहुत चर्चा थी, और इसीलिए लगता है पहली सूची में ही उन्हें। लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो पहले ऊपर के कद के जो नेता हैं स्थानीय वहाँ के, वो सब उस कार्यक्रम तक में नहीं गए थे जिसमें मुख्यमंत्री गए थे, और उसके बाद अभी खबरें ये आने लगी हैं जो मझौले कद के नेता हैं उन्होंने भी एक तरह से मुनमुन से किनारा कर लिया था। लेकिन अब देखना है पार्टी कैसे समझाइश दे पाती है अपने लोगों को, ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल उठेंगे। चंद्राकर जी, सबसे ज़्यादा चर्चा इसकी भी है कि सेजवार ने अपने बेटे को टिकट दिया है, आपको लगता है कि एक बार फिर सांची में सेजवार का परिवार हावी होगा? देखिए सांची में अभी 2 मौके छोड़ दे, पिछले 10 चुनाव में 2 मौके छोड़ दे हमें, तो लगातार सेजवार की जीत वहाँ से होती रही है, सेजवार वहाँ से 8 बार विधायक रह चुके हैं, और मुझे लगता है जो स्वास्थ्यगत कारण है डॉक्टर सेजवार को वोट ओपन तो नहीं करते, क्योंकि पब्लिक से टच, वो पत्रकारों से भी बहुत कम टच रहते हैं, मैं रिजर्व नेचर का आदमी मानता हूँ। तो हम देख रहे थे लंबे समय से, क्योंकि मेरा बहुत करीबी संबंध रहा है रायपुर से, तो मैं देख रहा था लगातार कि डॉक्टर सेजवार अपने स्वास्थ्यगत कारणों से अपनी पत्नी किरण सेजवार या अपने लड़के मुजीत सेजवार के लिए टिकट का प्रयास कर रहे थे। मुझे सेजवार को भी मैं पिछले 3-4 साल से लगातार फील्ड में सक्रिय देखा हूँ, रायसेन के चाहे सांची के कार्यक्रम हो, चाहे गैरतगंज के कार्यक्रम हो, चाहे रायसेन प्रॉपर के कार्यक्रम हो, चाहे दीवानगंज के कार्यक्रम हो, पूरा मैनेजमेंट, बल्कि पिछले 2 चुनाव का मैनेजमेंट भी वही करते आ रहे हैं, जैसे नेताओं के पुत्र मैनेजमेंट करते हैं चुनावी मैनेजमेंट, वो करते आ रहे थे, और एक एक कार्यकर्ताओं से, क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ताओं से, एक लोगों से उनके बहुत संबंध है, बेहतर संबंध है,
वैसे कई बार ये भी खबरें आती रही हैं कि स्वभाव से बहुत कड़क हैं, इसलिए लोगों में उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है सेजवार जी की वरिष्ठता को देखते हुए और वो इस वर्ग से आते हैं, उस वर्ग में उसकी ट्रैक को देखते हुए उसको सेजवार को डिनाई नहीं किया जा सकता था पार्टी में, इसलिए उसके उनकी इच्छा के अनुसार उनके पुत्र को टिकट दी गई है। रविंद्र जी, आप रिजवान भाई साहब से भी सवाल कर रहे थे लेकिन वो एक मुनमुन राय पर ही केंद्रित है। मैं तीनों निर्दलियों की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि सुदेश राय जो है, सुदेश राय मूल रूप से पिछले चुनाव में जब कांग्रेस से उनको टिकट डिनाई कर दी गई, नहीं मिली, तो वो निर्दलीय लड़े और निर्दलीय लड़ने के बाद वो लगातार एक साल तक, सवा साल तक तो बिल्कुल न्यूट्रल रहे थे वो। उसके बाद बीजेपी में भाजपा से ऐसा लग रहा था कि वो भाजपा का ही विधायक हो, ऐसा पूरे समय लगने लगा था। एक बात बताऊं मैं आपको बीच में रोककर, रिजवान भाई आपको भी सूचना देना चाहूंगा, मेरी आज थोड़ी देर पहले अभी अपने संवाददाता से बात हुई थी सीहोर में, और उन्होंने बड़ी चौंकाने वाली बात बताई है, और उन्होंने ये कहा है कि आज की तारीख तक टिकट की घोषणा के एक मिनट पहले तक स्वदेश राय भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी नहीं है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, और ऐसे व्यक्ति को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है जो उनके उनका प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। दबाव, इसे दबाव ही कहा जाएगा जी। मैं सुदेश राय के बारे में, उनके व्यवसाय के बारे में आप सब जानते हैं जी, जी, आपको बड़ा निकट का बड़ा तीन है वो, आसपास के तीन चार जिलों में, इवन इंदौर में, देवास में भी उनके व्यवसाय हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह के व्यवसाय में अपने आप को सेटल करने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए उन्हें सत्ता पक्ष के साथ जाना पड़ता है, और सुदेश राय भी उन्हीं में से एक है जो सत्ता पक्ष के पास, जैसे कई लोग गए हैं, नाम गिनाना इस मंच पर ठीक नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे मैदान में थे और पिछली बार तीनों जीत कर आए थे। हम बात कर रहे हैं बीरेंद्र कौर सकलेचा के बेटे ओम प्रकाश सकलेचा की, सुंदरलाल जी के बेटे, वैसे भतीजे पर बेटा मानते थे, सुरेंद्र पटवा की, और कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी की। इस बार हर सिंह के चार बेटे थे, चार में से एक की टिकट तो कट के उनके बेटे को दे दी गई है, तीसरी पीढ़ी आ गई है। लेकिन ये जो तीन पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे में से दो ऐसे थे जो चुनाव अपनी वर्तमान सीट से नहीं लड़ना चाहते थे, कैलाश जोशी और उनके बेटे लगातार प्रयास करते रहे कि उनको हार्ट पवेलियन की जगह पर खातेगांव से दूसरी सीट जगह से दी जाए। इसी प्रकार सुरेंद्र पटवा वापस मनासा जाना चाहते थे, लेकिन दोनों को अपनी अपनी सीट से दिया है। क्या ये पार्टी ने रिस्क नहीं लिया है? बहुत बड़ी रिस्क, क्योंकि दोनों वहां हारने की संभावना थी, दोनों को खुद वो महसूस कर रहे थे। बड़ी रिस्क है, और चूंकि इतने बड़े कद के लोग हैं इसलिए उन्हें ये जिम्मेदारी भी दी गई कि आपने ही, आप इतने बड़े कद के हैं, आप मंत्री भी रहे हैं, इतने आपकी पारिवारिक विरासत भी इस तरह की है, तो जीतिए, जीत कर बताइए, इसलिए कि सब कुछ क्या पार्टी के भरोसे ही करेंगे, जाहिर है। और ये एक पार्टी का, मुझे लगता है कि ये ठीक निर्णय और संदेश भी है उन लोगों को कि सबको विश्वास सारंग की तरह बनना चाहिए और पटवा की तरह नहीं बनना चाहिए, पटवा की तरह नहीं बनना चाहिए जी। चंद्राकर जी, एक खबर लगातार दो दिन से चल रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप सांसद ही छोड़कर विधायक बनना चाहते हैं, लेकिन उनका टिकट आज डिक्लेयर नहीं किया गया है। वे भितरवार से टिकट चाहते हैं ग्वालियर की, पहले वो पूरब से मांग रहे थे, दक्षिण से मांगा, लेकिन दोनों सीटें चूंकि डिक्लेयर कर दी हैं, भितरवार को होल्ड किया है। खबर यह है कि कामाख्या देवी के दर्शन करके वे आज भोपाल आ रहे हैं और भोपाल में कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमाका कर सकते हैं। आपको लगता है कि अनूप मिश्रा कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रिय ना हो? अभी भीतरवार होल्ड किया रखा हुआ है, मुझे लगता है सूची में नाम संपर्क करने नहीं है भीतरवार का नहीं है। और कई सांसद ऐसे हैं जो प्रदेश की राजनीति से ऊपर उठ के सांसद बने और केंद्र की राजनीति करने लगे, लेकिन मंत्री जैसा बड़ा पद उनसे छीन गया, तो वो फिर से ये उम्मीद में है कि भाजपा की सरकार बनेगी और हम यदि सांसद छोड़ के विधायक बनते तो हमें मंत्री बनने में वरीयता क्रम में रखा जाएगा और हम मंत्री बन सकते हैं। ऐसा हुआ भी है, कई उदाहरण है आपके पास जी। जो सांसद से छोड़ के विधायक का चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद जीते और मंत्री बने, तो इस तरह का जो मोह है वो कई कई सांसदों में है, और इसी कारण से लगभग 12 सांसद भाजपा के वापस जो है विधायक बनने की ललक रखे हुए थे और वो वापस विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रहे थे, उसमें से दो को तो इस सूची में हमने देखा कि दो को स्थान मिल गया है। चलिए रिजवान भाई,
ये लगातार कहा जा रहा था कि इस बार पब्लिक में जो गुस्सा है वो मुख्यमंत्री के प्रति नहीं है, मंत्रियों के प्रति काफी गुस्सा है, और ये भी चर्चा थी कि सर्वे में जो, लेकिन हमने देखा 177 की सूची में सिर्फ एक मंत्री का नाम कटा है और वो है माया सिंह। देखिए वही है कि हम इस पर शुरू से हम चर्चा कर रहे हैं, जरूरी और मजबूरी पर चर्चा हम शुरू से कर रहे हैं, वही कि रिस्क लेने की स्थिति में शायद पार्टी नहीं थी। अगर कोई मंत्री पार्टी छोड़कर चला जाएगा या बगावत कर देगा तो वो उसका संदेश पूरे प्रदेश में जाने वाला था, और शायद इस तरह का रिस्क पार्टी नहीं लेना चाहती थी, जोखिम ये नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए कि मिशन 2019 इस 2018 से गुजर के हर हाल में जाएगा, यहाँ जो कुछ होगा उसका असर वहाँ दिखेगा ही, और शायद अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है वो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और इस बार मध्य प्रदेश में शायद उन्होंने ऐसा एहसास भी कराया है कि सबका साथ सबका विकास, इसलिए ये पार्टी की अंदरूनी बात है, उन्होंने ये एहसास कराया है कि सबकी बात का को एक तरजीह दी गई है, और शायद इसीलिए अब मंत्रियों का भी अपना तर्क था, लगातार कहते रहे हैं, दबी जमान में कहते रहे, हमसे आपसे उन्होंने कहा भी कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, सब सिर्फ मुख्यमंत्री के अलावा किसी की नहीं सुनी जाती, और प्रशासन निरंकुश हो गया है, जनहित के वो कोई काम अगर कहते भी हैं तो उनकी कोई बात नहीं सुनता, उनको तरजीह नहीं मिलती, इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर वो अक्सर बंद कमरों में कहते रहे हैं, और हो सकता है हाईकमान से भी उन्होंने ये बात इस बात का एहसास उन्हें कराया होगा। और हमको सीता सरन जी की बात ज़रूर करना चाहिए रविंद भाई जी, जी इसलिए कि मैं उस सवाल पे आता, मैंने नोट किया हुआ था कि मैं सीधा सरण पे बात करूंगा, खैर अब आपने विषय छेड़ दिया है। आप उसमें कर सकते हैं मतलब, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी बात जरूर करना चाहिए। नहीं, मैं और आप मैं और आप एक साथ थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जी जी जी, और हमने देखा था वो वहाँ खड़े हुए थे, बड़ा अजीब लग रहा था कि एक स्पीकर जिसका एक सम्मान होता है, स्पीकर बहुत बड़ा पद, मध्य प्रदेश की परंपरा रही है कि हर राजनीतिक दल अपने स्पीकर को टिकट उसके घर जाके देता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि स्पीकर अपने टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चौखट पर चक्का लगाते रहे। ये बात सही है जो हमें खबर मिली कि विक्रम वर्मा ने इस बात को नोटिस किया और उन्हें पार्टी नेताओं से ये बात जब पहुंचाई तो ये तय हुआ कि उनका सिंगल नाम भेजा जाए, और नाम तो घोषित हो गया है उनका, लेकिन सवाल यह कि उनके परिवार के ही लोग उनका इस समय विरोध कर रहे हैं, उनके जो सगे बड़े भाई हैं गिरजा शंकर जी वो भी इस समय कांग्रेस में शामिल होकर टिकट की मांग कर रहे हैं। सीता सरन जी का अपने क्षेत्र में काफी कुछ कारणों से विरोध है, व्यक्तिगत तौर पे वो आदमी बहुत अच्छे हैं, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका क्यों विरोध है, पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी संगठन के अनेक लोगों ने लिखकर दिया है कि सीता सरन जी को टिकट दिया तो हम विद्रोह करेंगे। होशंगाबाद में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अखिलेश खंडेलवाल जो नगर पालिका अध्यक्ष है वहां के, उनका पूरा परिवार खुलकर विरोध कर रहा है, वहां के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी हैं वो विरोध कर रहे हैं, रिजवान भाई सिर्फ चौबे विरोध कर रहे हैं, विजय बहादुर विरोध कर रहे हैं। मैं इस विषय पर रिजवान भाई आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा, लेकिन मैं बहुत जल्दी अपने दर्शकों को बता दूं कि जिन विधायकों के टिकट कटे हैं उनकी एक सूची है जो मैं पढ़ के बताना चाहता हूं। जो नगरीय कल्याण मंत्री थे माया सिंह, उनका टिकट काट दिया गया है, और सतीश सिकरवार जो सुमावली से विधायक थे, सतपाल सिंह सिकरवार के बड़े भाई हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल का टिकट काट के राधे लाल को टिकट दिया गया है। गुना से पन्नालाल साके का टिकट काटा गया है और गोपीलाल जाटव को टिकट दिया गया है। अशोकनगर से गोपीलाल जाटव के बदले लड्डूराम कोरी को टिकट दिया गया है। पारुल साहू सुर्खी जो सागर की सीट है, सुर्खी से पारुल साहू, इन्होंने पहले टिकट चुनाव लड़ने से भी इनकार किया था, इनका टिकट काट दिया गया है। और जो सागर से सांसद हैं लक्ष्मीनारायण यादव, उनके बेटे सुधीर यादव को टिकट दिया गया है। टीकमगढ़ से के श्रीवास्तव का टिकट कट गया है। राकेश गिरी को टिकट मिला है यहाँ से। पृथ्वीपुर से अनीता नायक, जो सुनील नायक हुआ करते थे मंत्री, जिनके बाद चुनाव के दौरान हत्या कर दी गई थी, उनकी पत्नी का टिकट काट दिया गया है और अभय यादव को टिकट दिया गया है। छतरपुर से जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश की ललिता यादव, उनका टिकट कट गया है और उनकी जगह अर्चना को टिकट मिला है। लेकिन ललिता यादव को बड़ा मलहरा से टिकट दिया गया है, वहां रेखा यादव का टिकट कट चुका है, अब रेखा यादव को कहीं अन्य सीट से टिकट नहीं दिया गया है। हटा से उमा खटीक का टिकट को का टिकट कट गया है। पीएल टंडवे को टिकट मिला है। गुन्नौर से महेंद्र सिंह का टिकट काट कर राजेश वर्मा को टिकट दिया गया है। रामपुर से हर सिंह का टिकट कटा है, विक्रम को टिकट मिला है, ये हर सिंह के बेटे हैं, चूंकि मंत्री थे हर सिंह, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनके बेटे को टिकट दिया है। सेमरिया से नीलम मिश्रा का टिकट काटा है, ये अभय मिश्रा जो
अभी कांग्रेस जो उन्होंने ज्वाइन किया उनका टिकट काट दिया गया है, केपी त्रिपाठी को टिकट दिया गया है, त्योतर से रमाकांत तिवारी का टिकट काट के श्यामलाल द्विवेदी को टिकट दिया है, देवसर से राजेंद्र मेसराम का टिकट कटा है और सुभाष वर्मा को टिकट मिला है, जयसिंह नगर से प्रेमिला सिंह का टिकट काट दिया गया है, जय सिंह को टिकट दिया गया है, जैतपुर से जयसिंह मराबी को टिकट काटा गया और मनीषा सिंह को टिकट दिया गया है, बहोरीवन से प्रभात पांडे के जो बेटे हैं प्रणय पांडे उन्हें टिकट दिया गया है। प्रभात पांडे के निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ था उसमें प्रणय पांडे हार गए थे सौरभ सिंह से, उन्हें फिर से एक बार मौका दिया गया है। शाहपुर से गंगाबाई धुर्वे की टिकट काट दी गई है और ओम प्रकाश धुर्वे को वहां से टिकट दिया गया है। जुन्नारदेव से नाथन शाह की जगह आशीष ठाकुर को टिकट दिया गया है। आमला से चैतराम मानेकर की जगह योगेश को टिकट दिया गया है। घोड़ा डोंगरी से मंगल सिंह की जगह पर गीता भाई को टिकट दिया गया है। सांची से डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार जो मध्य प्रदेश के वन मंत्री रहे उनकी जगह उनके बेटे मुदित सेजवार को टिकट दिया गया है। विदिशा से कल्याण सिंह दांगी जो विदिशा में उपचुनाव में जीते थे शिवराज जी की जगह उनकी जगह पर अब मुकेश टंडन जो शिवराज जी के काफ़ी नज़दीक बताए जाते हैं उन्हें टिकट मिला है। आष्टा से रंजीत गुणमान का टिकट काट के रघुवत मालवीय को टिकट दिया गया है। बागली से चंपालाल देवड़ा की जगह पहाड़ सिंह को टिकट दिया है। मदानता से लोकेंद्र सिंह तोमर की जगह नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट मिला है। महेश्वर से मेव राजकुमार की जगह भूपेंद्र आर्य को टिकट मिला है। सैंदवा से रतन सिंह रावजी आर्य की जगह अंतर सिंह आर्य को टिकट दिया गया है। सरदारपुर बेल सिंह भूरिया की जगह संजय बघेल को टिकट दिया गया है। धर्मपुरी से कालू सिंह ठाकुर की जगह गोपाल कनौजे को टिकट दिया गया है। घटिया से सतीश मालवीय की जगह अशोक मालवीय को टिकट दिया गया है। रतलाम ग्रामीण से मथुरा लाल की जगह दिलीप मकवानों को टिकट दिया है। सैलाने से संगीता चारल की जगह नारायण मेड़ा को टिकट दिया गया है। और मनासा से एक बड़ा भारी टिकट काटा गया है कैलाश चावला का, उसकी जगह माधव माडू को टिकट दिया है। चांदला से आरडी प्रजापति की जगह उनके बेटे राजेश प्रताप प्रजापति को टिकट मिला है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 38 टिकट या तो काटे हैं या फिर बदले हैं। तो ये एक पूरा के पूरा घटनाक्रम रहा है भारतीय जनता पार्टी की 177 की पूरी लिस्ट में। मैं रिजवान भाई फिर से आपके पास आना चाहूँगा और आपसे वही सवाल जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि क्या इस सीट इस जो पूरी सूची है ये भारतीय जनता पार्टी की जरूरी या मजबूरी, वहीं से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। सवाल दर सवाल। देखिए रविंद्र भाई जी, अगर हम इन नामों पर ही चलते जी, हर सिंह से ही शुरू करते जी। हर सिंह के पिता संविद सरकार में चीफ मिनिस्टर थे, गोविंद नारायण सिंह। हर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े, समता पार्टी से लड़े थे, चुनाव जीत गए। उनके एक भाई यहाँ भोपाल में भी रहते हैं जी, वो भी विधायक रहे हैं, इस बार उन्हें भी टिकट नहीं मिली। और ये नरेंद्र सिंह तोमर के रिश्तेदार भी जी जी। हर सिंह इस स्थिति में नहीं थे कि वो मंत्री पद का दायित्व संभाल पाते। जिस समय वो बीमार हुए, गंभीर रूप से बीमार हुए, जीवन संकट में पड़ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया था, और उसके बाद वो भोपाल उन्होंने फिर अपने मंत्री पद का दायित्व नहीं संभाला। लगभग एक साल से अधिक समय होने को आ रहा है उन्होंने वो काम नहीं किया, फिर भी वो मंत्री बने रहे। अब संतुष्ट करने के लिए उनके पुत्र को टिकट दे दी गई है। पार्टी के अंदर बहुत ढेर सारे सवाल हैं वहाँ भी, और इस तरह से अब एक बार फिर ये सवाल वहाँ खड़े होने वाले हैं। तो पार्टी ने ये निर्णय क्यों लिया है, कैसे लिया है, क्या ज़रूरी था, क्या मजबूरी था, ये तो पार्टी ही तय करेगी। वैसे ही नीलम मिश्रा का टिकट कटना था, ये तय था। विधानसभा में अपनी पार्टी के खिलाफ ही वो धरने पर बैठ गई थी। इसमें ये बताइए कि ये जो 177 जो नाम घोषित हुए हैं, जो चेहरे सामने आए हैं, कांग्रेस अपनी कल पूरी मीटिंग के बाद में सूची को होल्ड किए बैठी थी, क्या अभी तक कांग्रेस की सूची नहीं आई है? क्या आपको लगता है कि कुछ फेरबदल या पुनर्विचार कर रही है कांग्रेस? बिल्कुल जाहिर है कांग्रेस संभावना तलाश रही है और कमलनाथ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि मौका दे सकते हैं। और राहुल गांधी ने कहा था भारतीय जनता पार्टी में कुछ भगदड़ होगी, आपको लग रहा है क्या? थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा वक्त निकालते हैं। एक जिक्र अभी आप कर ही रहे थे कि एक जगह बुलाया गया था, एक जिक्र तो कांग्रेस लेकिन इंतजार कर रही है जैसे उसने संजय शर्मा वाला एक जैसे सफल हो गई वो, उसमें उसी तरह से कांग्रेस इंतजार कर रही है। जाहिर है कि
कि वो जिस अच्छा ये शुरू अगर मध्य प्रदेश की सर उसमें देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनका एक सांसद ले लिया, टिकट दे दी, सांसद का प्रत्याशी ले लिया, उसको टिकट दे दी, तो ये सब चीज़ें शुरू भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई हैं और कांग्रेस उसी हुनर को आजमाने की कोशिश कर रही है। अब कितना कामयाब होती है वक्त बताएगा, लेकिन आजमा तो वही रही है और आखिरी वक्त में टिकट ना घोषित करना कांग्रेस की शायद उसी रणनीति का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी का घोषित कर देकर ये जाहिर करना कि हम किसी दबाव को नहीं मानते और हम तो इसी अंदाज से लड़ेंगे। नीलम मिश्रा का टिकट कटना लगभग तय था, वो कट गया टिकट। रमाकांत तिवारी बहुत लंबे समय से बीमार थे, वहाँ श्यामलाल द्विवेदी को मिल गया, जय सिंह मरावी की टिकट कट गई। पुराने पिछले बार मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, इस बार उन्हें मौका नहीं मिला था। प्रभात पांडे के पुत्र प्रणय पांडे को मौका मिला है, पार्टी को शायद उनसे योग्य वहाँ कोई उम्मीदवार नहीं था। दिलीप दुबे टिकट मांग रहे थे, निशित पटेल जो कांग्रेस के दिग्गज परिवार से संबंधित हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं पिछले चुनाव में, वो वहाँ से टिकट मांग रहे थे इसलिए कि उनका परिवार लंबे समय से वहाँ विधायक रहा है। निशित खुद 2 बार विधायक रहे हैं, उनके पिता 3 बार विधायक रहे हैं, उनके दादा वहाँ से विधायक रहे हैं, पिता और दादा दोनों मंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में और एक बड़े उद्योगपति घराने से संबंध रखते हैं। लेकिन प्रणय पांडे शायद पार्टी को, प्रणय पिछले बार चुनाव सहानुभूति लहर के बाद भी प्रणय हार गए थे पिछली बार चुनाव, और ये वो जगह है जहां अगर रविंद्र भाई आपको याद हो उमा भारती ने कुछ टिकटें मांगी हैं, 10 टिकटें कहा जाता था उमा भारती ने मांगी, एक सूची दी है, तो शंकर लोधी के लिए उमा भारती यहां से टिकट मांग रही थी, तो वो शंकर लोधी उनके साथ उनकी पार्टी में भी पहले चले गए थे। तो इस तरह से ढेर सारी चीज़ें हैं। बेल सिंह बूरिया पत्रकारों को धमकाने को लेकर बड़ा वायरल हुआ था, इनका टिकट चली गई। बेल सिंह 2-3 बार के विधायक थे और चांदला के सर्वाधिक विवादास्पद विधायक जो हैं आर डी प्रजापति और विवाद अकेले आर डी प्रजापति के दामन में नहीं है, उनके पुत्र के दामन में भी है। डकैती और हत्या के प्रयास का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस ने मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर गोलीबारी करने और इसको लेकर उनके पुत्र राजेश और उनके सहयोगी जो उनके असिस्टेंट रहे हैं उन पर भी मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, तो इस तरह से उनके ऊपर ये मामले भी दर्ज हैं। चौथ वसूली करना या इस तरह का करना, धमकाना, अधिकारियों को धमकाना, अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाना और बहुत तरह कई तरह की अप्रिय स्थिति खड़ी करना, ये पहचान है आर डी प्रजापति की। राजेश प्रजापति को टिकट। चलिए रिजवान जी, आपने उमा जी का जिक्र किया है तो मैं जरा चंद्राकर्षी से जानने की कोशिश करूंगा। उमा जी ने जितने समर्थकों के लिए टिकट मांगा था, मुझे लगता है कि उमा जी के सिर्फ एक समर्थक को टिकट मिला है विंड से रसाल सिंह को, और दूसरा उनके भतीजे को टिकट मिला है खरगापुर से राहुल को, जबकि उमा जी ने जो चिट्ठी लिखी थी जिसका जिक्र मीडिया में हुआ था उसमें अपने भतीजे के लिए टिकट का जिक्र नहीं था। लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक है बीजेपी ने कि उमा जी ने जिसके लिए टिकट नहीं मांगा उनके भतीजे को टिकट दे दिया और उनके किसी समर्थक को टिकट दिया नहीं दिया है। रसाल सिंह को भी टिकट बीजेपी ने एक मजबूरी में इसलिए दिया है कि रसाल सिंह मसल पावर में और मनी पावर में गोविंद सिंह के टक्कर ले सकते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह से जो कि दिग्गज विधायक हैं कांग्रेस के जो लाहौर से हैं, लाहौर से टिकट रसाल सिंह को दिया है। क्या कारण है खिलावन जी कि उमा भारती को मध्य प्रदेश में कोई महत्व नहीं दिया गया जबकि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में लोधी वोट हैं, उमा जी का उपयोग अब करना है या नहीं करना है बीजेपी को? देखिए मैं बताना चाहूंगा चंद्राकर जी कि सागर से मुकेश जैन ढाना के लिए टिकट मांग रही थी, पोहरी से वो नरेंद्र विरथरे के लिए टिकट मांग रही थी, वो ब्यावरा से अशोक त्रिपाठी जी के लिए टिकट मांग रही थी, वो हुजूर से भगवान देव सवरानी के लिए टिकट मांग रही थी, वो केवल एक प्रीतम लोधी को भी पिछोर से मिल गया है। मैं मानता हूं कि एक प्रीतम लोधी जो कि पिछले चुनाव में बहुत कम वोटों से हारे थे केपी सिंह से, उन्हें भी टिकट मिल गया है। जी हिसाब से उनको यहाँ मध्य प्रदेश में अभी जो 177 सीट की घोषणा की है उतना वजन नहीं मिला है। हम जब और बैठेंगे और पूरे 230 सीटों की समीक्षा करेंगे तब उस पर और देखेंगे आपके सवालों का जवाब मैं बेहतर तरीके से दे पाऊंगा। लेकिन
लेकिन अभी जो 170 सीट है उसमें बहुत ज्यादा उमा भारती को वजन नहीं दिया गया, ये बात सही बता रहे हैं आप। लेकिन जो मुख्य बात है जो हमारी चर्चा में एक और महत्वपूर्ण बिंदु मैं समझ रहा हूँ छूट गया है, वो ये है कि दो जो बहुत महत्वपूर्ण कद्दावर नेता है, पहला पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौड़ी और दूसरा पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह जी, वो दोनों सीटों को अभी होल्ड किया गया है। जी जी, जैसे कि राजधानी के ही दो सीटों को होल्ड करके रखे हैं, और ये तो मुझे लगता है कि इन दोनों के बारे में अभी बहुत गंभीरता से विचार चल रहा है कर रही है, या यदि इनकी सीट बदली जाती है तो इनकी इच्छा के अनुरूप किसी सम्मानजनक को सम्मानजनक रूप से इनको मनाते हुए कार्य करना चाहती बीजेपी ऐसा लगता है। जी जी, और यदि समय नहीं हुआ है तो कुछ और। खिलावन जी, कैलाश चावला की टिकट काट दी, पिछले बार मंत्री भी नहीं बनाया था, दिग्गज नेता थे, उनकी उनकी टिकट काट दी और पूरे क्योंकि मुझे 2-3 मिनट ही मेरे पास बचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों कांग्रेस को कई झटके दिए थे, उन्होंने राकेश सिंह चौधरी को तोड़ा, उन्होंने भागीरथ प्रसाद को तोड़ा, उन्होंने संजय पाठक को तोड़ा, संजय शर्मा को तोड़ा, राव उदय प्रताप को तोड़ा, किया उस दिन भी कांग्रेस ने अचानक राहुल गांधी से हम लोगों की जब मुलाकात कराई थी उस दिन भी कमलनाथ ने मुश्किल से 5 मिनट पहले उन्होंने हमें बताया, हमारी टेबल पर आकर ही बताया कि संजय शर्मा जो है वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कमला पटारे और संजय। हाँ, उन्होंने मुख्यतः संजय शर्मा का जिक्र ज़्यादा गंभीरता से किया था, इसलिए कि वो बताने के लिए उनके लिए वो लेखनी वो था, और थोड़ी देर में संजय शर्मा उस लॉबी में हमें मिले भी थे। तो अब देखिए, और पद्मा शुक्ला को लाए हैं वो एक जी, वो कट्टर बीजेपी की जो रही है, जन्म से बीजेपी के साथ रही है, जब से उन्होंने राजनीतिक शुरू की है उनको जरूर पत्रकार हैं शैलेंद्र शुक्ला, और अच्छे पत्रकारों में उनका नाम है, वो कैमूर के रहने वाले हैं वो लोग, पद्मा शुक्ला खुद भी शिक्षक हैं, तो उनका एक प्रभाव है, जिला पंचायत का चुनाव तो वो लगातार जीतती रही, पिछले बार संजय पाठक से बहुत मार्जिनल वोट से वो चुनाव हारी थी, वो 1000 से भी कम वो था, और इस बार वो संभवतः वो प्रत्याशी होंगी कांग्रेस की। चलिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज हमने चर्चा की, 177 नाम भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिए हैं, चेहरे सामने आ चुके हैं, कांग्रेस इन चेहरों को लेकर अपने नई तरह से कर दी है, और ऐसी जो दिल्ली से खबरें मिल रही हैं कि कांग्रेस अब इन इस सूची के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण खबर दी है कि आज जो सूची जारी हुई है 177 की, इसके बाद इंटेलिजेंस का यह आंकलन है कि मध्य प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा पिछड़ जाएगी, कांग्रेस को 128 सीटें मिलती दिख रही हैं, 92 यानी 92 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं, 6 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी, 3 पर समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गठबंधन पार्टी, और 1 सीट अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये भी रिपोर्ट अभी अभी आज तक ने अपने चैनल पर दिखाई है, जिसका उल्लेख हम आज तक के हवाले से ही कर रहे हैं, और आप तीनों दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आदरणीय रिजवान जी आप हमारे साथ जुड़े, आदरणीय खिलवान जी आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।